चढ़ी गला कर के हल्फन आगो अस्पताल कस बने अस्पताल कस बने अस्पताल कस बने लेके रहेंगे तेरा बाप भी देगा तेरा बाप भी देगा तेरा बाप भी देगा बड़ी तादाद में शिरकत की और एहतजाज रिकॉर्ड किया और अपने हक की आवाज बुलंद। खनिया कगान BAU के कब्जा माफिया से बहाल हुआ, उसके बाद दोबारा कब्जा माफिया ने स्टाफ को भगाने की कोशिश की। इस पर आवाम ने शदीद रद्द अमल दिखाया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और तमाम आवाम हलकों की तरफ से टायर जलाए और कगान रोड ब्लॉक किया। इस एहतजाज में स्याओं ने भी भरपूर शिरकत की क्योंकि ये BAU लोकल आवाम बल्कि स्याओं के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस पर MNA साहब और MPS साहब फौरी तौर पर कब्जा माफिया के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाकर आवाम और स्याओं की सहूलत फराहम करें वरना अगला एहतजाज पार्लियामेंट हाउस के सामने किया जाएगा। कैमरामैन असद खान के साथ जवाद खान, मानसरा न्यूज़, मानसरा। का अल्फन आगो अस्पताल कस बने अस्पताल कस बने अस्पताल कस बने लेके रहेंगे तेरा बाप भी देगा तेरा बाप भी देगा तेरा बाप भी देगा। और दुई बड़े बाजी दी गल सारे भरा जमा हो इस तो बाद नैब दे आफिस अगर धरना देसा अस्पताल तक कितना फंड मंजूर होया और कितने कितने खर्च होया कसम शाहबाज जी को एक एक पाई दा साहब के इंसान और मैं कसम चाहे सारी चीज सामने आ गई यकीनदानी है कमेटी है जी DHO साहब को जुल के अपने मुतालबात रखी अच्छी DHO साहब को आज ये गल मुतल कर दिया कि आइंदा हफ्ते अगर वज़ीर-ए-आला साहब आ रहे असों को मजबूर ना किते जला उस तरह से रोड बंद करना था मजबूर हो जला अच्छी प्रमन इलाके के लोगों का सारे का शुक्रिया कि इतनी मुख्तसर काल से इतनी कसीर तादाद में जमा हो वरना जी तो डबल होगा सा अच्छी मजदूरान का एहतजाज भी करा सा।